समाप्ति महोदय। श्रीमती कहा कैसे राष्ट्रीय खेलकूद विश्वविद्यालय ने 2018 में बोलने का मौका दिया। महोदय कहने की जरूरत नहीं कि हर क्षेत्र में आज दुनिया भारत का लोहा मानती है। हमने दुनिया को अच्छे इंजीनियर डॉक्टर और साइंटिस्ट सभी दिए हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा खेलों को छोड़ दिया जाए तो खेल में हमारी जितनी उपलब्धि होनी चाहिए उतनी उपलब्धि नहीं हो पाई है। हमारे क्षेत्र में प्रतिभावान खिलाड़ियों की कमी नहीं है, जरूरत इस बात की है कि इसके लिए एक इनकलाब लाया जाए और इस इनकलाब के लिए जो इनकलाबी कदम उठाया जाए उसमें से ये एक विधेयक है। मैं इस विधेयक में मणिपुर में एक राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है। ये विश्वविद्यालय खेल विज्ञान, खेल प्रौद्योगिकी, खेल प्रबंधन और खेल की कोचिंग जैसे क्षेत्रों में खेल की शिक्षा को बढ़ावा देगा। महोदय हम सभी ये सोचने वक्त है कि 125 करोड़ की आबादी वाले इस मुल्क में प्रतिभावान खिलाड़ी क्यों नहीं पनप पा रहे हैं? क्या प्रतिभा की कमी है? ऐसा नहीं है। आए दिन अखबार या समाचार पत्रों में पढ़ने या सुनने को मिलता है कि बहुत गरीब लोग बड़ी मुश्किल हालात में भी रहकर देश का नाम खिलाड़ियों में रोशन किया है। हमने खेल के देश में खेल के कल्चर को बदलना होगा। इसके लिए निश्चित रूप में एक संस्था का की आवश्यकता थी और इस आवश्यकता को पूरी करने के लिए ये बिल लाया गया है। मान्यवर हम अवसर पर हमें ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि खेल के क्षेत्र में महिलाओं को पर्याप्त हिस्सेदारी मिली, उनके अंदर छिपी हुई प्रतिभा को तलाशा जाए और फिर तराशा जाए। हमें इस विश्वविद्यालय में इस तरह के विषय ध्यान रखना होगा। खेल की बड़ी सुविधाओं को बड़े शहरों में ही केंद्रित है। कम उम्र के सामने आने वाली प्रतिभा का इस केंद्र तक पहुंचना असंभव है। क्षेत्रीय स्तर पर ऐसी सुविधाएं होनी चाहिए, जहाँ ऐसी प्रतिभाएं हैं वहाँ सुविधाएं भी होनी चाहिए। महिला खिलाड़ियों का भेदभाव नहीं होना चाहिए। आदिवासियों के परंपरागत खेलों को भी हमें बढ़ावा देना चाहिए। आदिवासी कई खेलों में माहिर होते हैं। यदि हम इनकी प्रतिभा की पहचान कर सकते हैं, इन्हें मेहनत करके वो आगे बढ़ सकते हैं और हमारे देश का नाम रोशन कर सकते हैं। हमें ऐसे और विश्वविद्यालय की आवश्यकता है। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से मांग करती हूँ कि झारखंड और बिहार में भी ऐसे विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए, ताकि वहाँ के जो झारखंड के आदिवासी हैं या बिहार के जो बच्चे हैं वो उस पर। मैं आखिर में इस बिल का समर्थन करती हूँ और एक बार से अपनी बात खत्म करना चाहती हूँ कि राजनीति में अगर खेल